तो हे गाइस, आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा उसको कहते हैं राबोड़ी की सब्जी। ठीक है, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, खाई जाती है। और ये कैसे बनती है अगर आप कमेंट में बताओगे, पूछोगे, तो एक ना एक दिन मैं वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर करूंगा राबोड़ी कैसे बनती है। ठीक है, तो इसकी जो सब्जी होती है वो राजस्थान में बहुत खाई जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चटपटी होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लगती है, यानी बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका है कि थोड़ा सा तेल लेंगे हम कढ़ाई के अंदर। आपको राबोड़ी मिल जाएगी अपने आसपास की दुकानों पे, अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो कढ़ाई के अंदर तेल गर्म हो रहा है, यहाँ पर हम राबोड़ी को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी हो सकती है, क्योंकि मिट्टी विट्टी लगी हुई होती है ना, तो वो थोड़ी साफ हो जाएगी, इसलिए आपको वॉश कर लेना। ठीक है, दो पानी के अंदर अच्छे से वॉश कर लेना। ठीक है, और हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, कटा हुआ लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, तो आपकी इच्छा। ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाली हींग। ठीक है, ऐसे हींग डालो ना डालो आपकी इच्छा। ठीक है, और बाद में डाले हमने प्याज, हरे प्याज डाले मैंने। ठीक है, वो वाले प्याज हो तो वो भी डाल सकते हो। इसको डालने के बाद में थोड़ा सा पकाया मैंने, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि प्याज को वो ऐसे पक जाएंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा पकाने के बाद में हमारी राबोड़ी डाल दी है। ठीक है, राबोड़ी कहते हैं इसको, राबोड़ी, और कोई दूसरा नाम हो अगर राजस्थानी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें और कमेंट में बताएं इसका और क्या नाम हो सकता है। ठीक है, पापड़ भी कह सकते हैं, पर इसको राबोड़ी की आज कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी अच्छे से पका लिया, जो हमने ऊपर से और प्याज डाले हरे कलर के। ठीक है ना, हरे प्याज ही डाले, थोड़ा सा बंगाल के हिसाब से मैंने वहाँ पर थोड़े से प्याज डाले। ठीक है, तो इसको हम आराम से मध्यम आंच पर अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, पकाने के बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ठीक है, तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ठीक है, और कुछ भी अनसन नहीं डालना आपको, वरना जो ये सिंपल रेसिपी होती है ना वो भी ख़राब हो जाती है अगर आप अनसन मसाले ऐड करते हैं तो। ठीक है ना, बाकी वो जो सिंपल रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, पर दिखने में कैसे लगती है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, जिससे जो हमारी राबोड़ी है वो अच्छे से पक जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से हमारे पक जाए, इसलिए हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको धीमे कर देंगे आँच को, जिससे हमारे जो मसाले हैं वो पक जाए। जैसे वो पक जाएंगे, ठीक है, देख लीजिए आपका जो हमारी जो पानी वो सारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर और पानी। ठीक है ना, इसको पानी डाल के इसको अच्छे से ढक देंगे, यानी पानी से हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे। ढकने के बाद में इसको अच्छे से पका लेंगे। इसका टेस्ट कैसा होगा, एकदम खट्टा मीठा टेस्ट होगा, क्योंकि राबोड़ी बनती है छाछ से, खट्टी छाछ से और मक्की से। ठीक है ना, तो कभी बनेगी तो वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारी जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है, जो हमारी जो राबोड़ी की सब्जी है, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार टेस्ट करके बना कर उसके बाद बताना कि अच्छी दिखती है नहीं दिखती। ठीक है, अगर आपने खाई नहीं है फिर भी आप कमेंट में कहते हो नहीं यार ये तो बकवास लगती है बकवास, तो दोस्तों आई एम सॉरी पर आप गलत हो। ठीक है, एक बार बना के खा के उसके बाद मेरे को ऐसा सजेशन देना कि राबोड़ी की सब्जी ख़राब है, ठीक है ना, तब मैं मानूंगा नहीं यार किसी ने खा के बना के फिर बताई मेरे को। ओके दोस्तों, तो हमारी जो राबोड़ी की सब्जी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, तैयार होने के बाद में इसके ऊपर ना कोई धनिया डाला जाता है ना कोई बात। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को नमक कम लगा इसलिए नमक डाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, वीडियो, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।